मैं तो मंजिल की तरफ चला था अकेले, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। मैं तो मंजिल की तरफ चला था अकेले, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहा हूँ जो इंसान की हर एक बात में मोटिवेशन है, जो इंसान सर से ले के पाँव तक ही मोटिवेशन है, जो इंसान का हर एक लफ्ज़ हर एक काम मोटिवेशन है। जिस इंसान की कलम चल जाती है उसमें भी ताकत होती है, उसमें भी ताकत होती थी, उसमें भी मोटिवेशन है। मैं आज आपको सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर नॉर्मली हम क्या करते हैं कि बारात ले कर जाते हैं, खाने में नमक कम होता है, कोई भी दिक्कत होती है तो हम बारात को वापस ले कर चले आते हैं। लाइफ में एक दो बार हो जाते हैं तो कभी उठने की कोशिश नहीं करते। अगर एक बार किसी इंसान ने हमें पूरा टॉर्चर कर दिया तो हम मेंटली और फिजिकली टॉर्चर होके वो काम को छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं कैसे इंसान की बात करना चाहूंगा जो इंसान हमारे लिए, सभी इंसान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, और साथ में लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने अपने कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को कभी रोका नहीं। ऑलवेज कंटिन्यूड इन हिज लाइफ, ही नेवर स्टॉप्ड। मैं आज बात करने वाला हूं बाबा साहब की। हम उन्हें बाबा साहब कहते हैं, भीमराव राम जी अंबेडकर कहते हैं, भीमराव अंबेडकर कहते हैं, या आप बी आर अंबेडकर कहते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग हम पुकार सकते हैं, लेकिन उनके काम में ही ताकत है, उनका काम सराहनीय था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 अप्रैल 1891 मोह जो ब्रिटिश इंडिया के रूल में अंडर में था, आज वो मध्य प्रदेश में है, वहां पे इनका जन्म होता है। रामजी सकपाल के 14th चाइल्ड, 14वें बच्चे, 14वां, मतलब ये सोच लीजिए कि 14 लोगों के बीच वो एक लास्ट चाइल्ड कैसी कंडीशन हो सकती थी। लेकिन वो उस वक्त भी ये सारी चीज़ें फेस करते हुए, भाई गरीबी को फेस करते हुए उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ा, मैं आपको बताना चाहूँगा। वहाँ पे जन्म होता है उनका। अब वो स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं। मेरे दोस्तों, पढ़ाई में क्या होता है मालूम है? पढ़ाई में होता क्या है, स्कूल में नॉर्मली होता क्या है, टीचर सही से ट्रीट नहीं करते, एक गंदा सा बोरा दे देते हैं और वहीं पे बैठने के लिए, द्वारी पे बैठने के लिए, द्वार पे बैठ के वो कॉपी और पेन लेके पढ़ते हैं, अपना किताब लेके पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, उनको पानी नहीं मिलता था, जिस कुएं से पानी पीते थे वो कुएं से उनको हटा दिया जाता था, भगा दिया जाता था। अगर उनको पानी पीना होता था तो कोई ऊंची जाति वाला, जो हम कहते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसे मानना नहीं चाहिए, तो वो पानी जो है कि पोर करता था, उड़ेलता था, तब वो जाके पीते थे, या चपरासी आके पानी जब डालता था तब वो पीते थे। मेरे दोस्तों, इतनी ज़्यादा मुशक्कतें, इतनी ज़्यादा दिक्कतें झेलने के बाद भी लाइफ में वो एक ऐसे बैरिस्टर बने, कैसे राइटर बने कि ओ माय गॉड, दुनिया उनको सलाम करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने खुद अपने आगे अपनी डायरी में लिखा कि नो पियो नो वाटर, जिस दिन चपरासी नहीं होता था उस दिन मुझे पानी नहीं मिलता था। जो इंसान को पानी ना मिले स्कूल में, आज आपको अगर पानी ना मिले ना तो आप लेके क्या क्या पहुंच जाओगे दादा चाचा नानी नाना को। आज आपको अगर नॉर्मल सा एक टीचर थप्पड़ मार देना तो अरे आप पूरी फौज लेके पहुंच जाओगे और उसके खिलाफ साजिश कॉन्स्पिरेसी करना चालू कर दोगे। लेकिन वो इंसान ऐसे थे जिन्होंने इतनी दिक्कतें सहने के बाद भी वो एक ऐसे जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, या आप कह सकते हैं सोशल रिफॉर्मर वो बने। वो दलित और बुद्धिस्ट मूवमेंट को उन्होंने चलाया, वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़े। उन्होंने ही कहा कॉन्स्टिट्यूशन में कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिसॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक एंड टू सिक्योर इट्स ऑल सिटीजंस। उन्होंने ही हमें दिया फ्रेटर्निटी, उन्होंने ही दिया हमें इक्वालिटी, उन्होंने ही दिया हमें जस्टिस का अधिकार, उन्होंने दिया हमें लिबर्टी का अधिकार, आज़ादी का अधिकार। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनका लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज का आप प्रीफेस भी, प्रीएम्बल भी पढ़ लें, ताकि आपको ये पता चले कि उन्होंने हमारे लिए किया क्या है या पूरे भारत के लिए किया क्या है। दोस्तों, What is actually, why am I just, you know, describing about him? I am describing about him because I am a motivational speaker. मैं एक motivational speaker हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ, सारी चीज़ों को चुराता हूँ कहीं ना कहीं से, सारी चीज़ों को देखता हूँ कि किस इंसान ने क्या क्या किया। अब उसके बाद वो, मैं आप फिर से आता हूँ उसी पॉइंट पे, वो स्टडी करते हैं, उनके साथ ये सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते अपनी ज़िंदगी में। मुंबई यूनिवर्सिटी से वो बीए करते हैं, बीए करने के बाद उनको बड़ौदा स्कॉलरशिप मिलती है और चले जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ये एमए और पीएचडी करते हैं। उसके बाद चले जाते हैं लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये
MSc एंड DSc करते हैं, मतलब ये सोच लीजिए कि इंसान रुके नहीं, वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लंदन तक स्टडी करने, अमेरिका तक, कैलिफोर्निया तक पहुँच जाते हैं स्टडी करने, रुके नहीं कभी ज़िंदगी में, वो कभी रुके नहीं ज़िंदगी में। उन्होंने एक मोटिवेशन दिया, नेवर स्टॉप इन योर लाइफ आइदर योर सर्कमटेंसेज, वट एवर यू आर फेसिंग, नैरो सर्कमटेंसेज, यू आर फेसिंग क्राइसिस, यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम इज बिग प्रॉब्लम व्हेन यू आर देयर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। That's all. Just he told us. उन्होंने दिया और उन्होंने बताया नहीं, जैसे मैं शब्दों से बता रहा हूँ आपको, वीडियो से बता रहा हूँ, उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने करके दिखाया। Example is better than precept. उपदेश से बड़ा उदाहरण होता है, वो खुद एक उदाहरण है। मैं उपदेश दे रहा हूँ लेकिन वो एक उदाहरण है, थे, रहेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों। दोस्तों उनकी पहली शादी जो होती है वो 1935 में होती है। उसके बाद पहली बीवी का की डेथ होने के बाद सविता अंबेडकर से शादी होती है, फिर इनका जीवन चलता है। लेकिन जीवन चलना क्या है, जीवन चलने के बाद ये देखिए एक बैरिस्टर बनते हैं, एक बैरिस्टर बनते हैं। और बैरिस्टर करने के बाद, क्योंकि ये लॉ की स्टडी और इकोनॉमी की स्टडी किए रहते हैं, और ये मैं आपको बता दूं 1935 में जो हिल्टन यंग कमीशन ने जो इस्टेब्लिश किया था RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उसके इस्टेब्लिशमेंट में 1935 में, बिकॉज हिल्टन यंग कमीशन से इनको इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। दूसरी चीज़ कि मैं आपको बता दूं, ये मेन आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान बना वो ये मेन आर्किटेक्ट थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के ये मेन चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे। ये सारी उपलब्धियां इन्होंने पाई, इनको पॉस्थ्यूमसली इनको दिया गया भारत रत्न अवार्ड। ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, ये सारा अचीवमेंट्स आप समझ पा रहे हैं। एक गरीब घर में पैदा हुआ एक लड़का, एक ऐसी मतलब जो माना जाता था एक ऐसी जाति की, जो अनटचेबिलिटी को फेस कर रही थी, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रही थी, वो लड़का उठ के इतने ऊपर पहुंच जाता है, जिसको आज लोग सलाम करते हैं, आज लोग उन्हीं का नाम याद करते हैं। आज जब भी रिपब्लिक डे आता है या इंडिपेंडेंस डे आता है या संविधान दिवस आता है, तो हम उनका नाम याद करते हैं। और उनका नाम उस वक्त नहीं, बल्कि हर दिन, हर वक्त याद किया जाता है, जिस दिन हमें अपना अधिकार की याद आती है, हमें अपने अधिकार को सामना करना पड़ता है कि हाँ ये हमारा अधिकार है। इन तरह की चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें या बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ें हैं। उन्होंने ही कहा था, मैं उस कम्युनिटी का सम्मान नहीं करता जो कम्युनिटी औरतों का सम्मान, लेडीज़ का सम्मान नहीं करती, मैं उस सोसाइटी का सम्मान नहीं करता जो सोसाइटी औरतों का, लेडीज़ का सम्मान नहीं करती, इज्जत नहीं करती। मैं उस सोसाइटी को सबसे अच्छा समझता हूँ, समाज को सबसे अच्छा समझता हूँ, जहाँ पे औरतें बराबर चलें आदमी के, और औरतें भी पूरी तरह से इकोनॉमी में, एजुकेशन में पार्टिसिपेट करें, पार्ट लें उस कंट्री को या उस यूनो कम्युनिटी को, उस सोसाइटी को मैं बहुत ही अच्छा, सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। उन्होंने ये बताया कि वी शोल्डर टू शोल्डर, वी द लेडीज एंड जेंट्स शोल्डर टू शोल्डर ही टॉट अस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ही इज सैल्यूटेबल एंड दैट्स वाई वी मस्ट रिस्पेक्ट, वी मस्ट लर्न, वी मस्ट गेट मोटिवेशन एंड वी मस्ट ट्राई टू ऑलवेज यू नो जस्ट यू नो गेट मोटिवेशन एंड लर्न फ्रॉम हिम अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही जस्ट टोल्ड अस एंड टॉट अस थ्रू हिज होल लाइफ। Thank you so much. If you like this video, please share this video and share this information and try to read about Bhimrao Ambedkar ji. And you also try to read the preamble of constitution, that you can know about your rights, about constitution. And you also read his biography, autobiography about his life, because he has done a lot of things for us. Thank you so much. Bye-bye. Take care.